राधे 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 कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधारानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2019 जिसका आज 26वां पड़ाव 5 नवंबर मंगलवार नवमी के दिन हम लोग यहाँ मनसा देवी में बैठे हुए हैं ब्रजरज लेकर यहाँ ब्रजरस का आनंद 26 दिन इस ब्रजरस का आनंद लेते हुए हो गए हैं और 5-7 दिन 10 दिन शेष बचे हैं यात्रा के। लेकिन भैया ये आनंद तो ऐसा है दिन दोगुना रात चौगुना भी बढ़ता रहे तो भी मन तृप्त नहीं होता है। इसी ब्रजरस और ब्रजरज और ब्रजवासियों के प्रेम की
प्राप्ति के लिए ही श्री ठाकुर जी ने यह प्रतिज्ञा वाक्य है, ब्रज तज अनत न जाई हो मोहे नंद बाबा की आन। इस ब्रज रज और इस ब्रज रस को छोड़कर यदि मैं जाऊं तो मुझे नंद बाबा की सौगंध है। और श्री ठाकुर जी गए नहीं, इसका प्रमाण है कि जिस समय श्री उद्धव जी महाराज ब्रज में पधारे हैं, गोपियों और सभी ब्रजवासियों का मैया बाबा का संदेश लेकर, तो वहाँ सूरदास जी के वाक्यों में प्राप्त होता है, उनके पद में ये भाव मिलता है कि श्री उद्धव जी महाराज को गोपियों ने वही पूर्व ब्रज का दर्शन कराया और गोपियों ने कहा कि उद्धव जी आप कहते हैं वियोग हो गया, बोले हमारा तो कभी वियोग हो ही नहीं सकता है, हमारा तो नित्य संयोग है कृष्ण से। देखो आज भी वो यही लीला कर रहे हैं, देखो आज भी कहीं कोई गोपी के घर में चोरी कर रहे होंगे, आज भी उनकी वही लीला चल रही है। 84 वैष्णव वार्ता में भी यह पुष्टि, यह सिद्धांताचार्य श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु ने यह मत सुस्पष्ट किया है। एक समय जब आचार्य पाद ब्रज में पधारे हैं, साथ में भगवदीय प्रभुदास जलोटा जी भी थे, तो गोवर्धन में आकर गोपाल लाल को उस स्थल पर भोग लगायो है, तो प्रभुदास जी की आज्ञा की कि आप प्रसाद पालो। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु ने यह कहा तो प्रभुदास जी बोले जय जय मैंने अभी स्नान नहीं कियो है। यह सुनकर आचार्य पाद ने बड़ी सुंदर बात कही, वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुज यत्र वृंदावनम तत्र लक्षालक्ष कथा कुतः जलादपि रजः पुण्यम रजोपि जलम वरम यत्र वृंदावनम तत्र स्नात्वा स्नात्वा कथा कुतः। यहाँ वृक्ष वृक्ष पर वेणु बिहारी लाल हैं, पत्र पत्र पर श्री चतुर्भुज भगवान का दर्शन है, ब्रह्म रज का अपभ्रंश ही ब्रज रज है, साक्षात ब्रह्म के रूप में ही यह ब्रज भूमि है, इसका प्रत्येक वृक्ष प्रत्येक लता वल्लरी साक्षात युगल सरकार का ही स्वरूप है, इसलिए धाम और धामी में कोई भेद नहीं है। तो ब्रज का स्वरूप साक्षात लोचन गोचन कराया है आचार्य पाद ने और कहा देखो यहाँ वृक्ष पर वृक्ष वृक्ष पर वेणुधारी विराजमान है, प्रत्येक पत्र पर चतुर्भुज ऐश्वर्य में वृंदावन का दर्शन है और वृंदावन में ग्राह्य और त्याज्य उसका निषेध है, क्या ग्रहण करना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए, ऐसा विधि निषेध नहीं है। यहाँ जल रज से श्रेष्ठ है और रज जल से श्रेष्ठ है, इसलिए यहाँ स्नान स्नान अविचारणीय है, विचार नहीं करना चाहिए। अगर जल नहीं मिला यहाँ का तो यहाँ की रज को मस्तक पर लगा लिया तो वही रज स्नान हो गया, जल प्राप्त हो गया तो जल का स्नान हो गया। यहाँ शुद्धि अशुद्धि का विचार सर्वथा त्याज्य है, तो इसलिए श्री ठाकुर जी भी भैया यही रज को आश्रय में नंद भवन ते नहा के नहीं गए तो ब्रज रज में लुटलुटी लगा लें, लुटलुटी लगा ली ब्रज रज को स्नान है गयो। तीन रानी हैं ब्रज में, श्री राधा रानी, रज रानी, एक रज रज रानी भी हैं। ब्रज रज की कृपा से श्री ठाकुर जी को भी या रज को आस्वादन और या ब्रज की कृपा प्राप्त भई है। भागवत जी में वर्णन आवे तवांग्र युग्म मनु कृष्य शरीर सपंतो घोष प्रघोष रुचरम ब्रज कर्म दिमेशु तन्ना हृदष्ट मनसा वनुसृत्य लोकम मुग्ध प्रभीत वदुपे तुरंति मात्र हूँ। इस ब्रज में ब्रह्म पर ब्रह्म मैया द्वारा स्नान कराने पर भी लुट लुटी लगावे, फिर अन्य कोई कर्मकांड की विचार की आवश्यकता कहाँ रह जाए। तो ये रज है जो भैया जो बड़ी कृपा है, या रज में ही
रज ही खानो रज ही पानो रज ही रज सरसानो रे रसमय बरसानो। ये रज ही इसका आश्रय साक्षात श्री ठाकुर जी का आश्रय है। आज सुबह यात्रा का क्रम बाद जो श्री हरिवंश महाप्रभु के जन्मस्थान से होते हुए छरगांव शेर शाह माल यानी मार्कंडे वन, जहाँ मार्कंडे ऋषि का स्थान है, मंदिर है, तपस्थली है, सोनोट और यहाँ मनसा देवी में हम लोग बैठे हुए हैं। आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है जो हमारे मध्य में कोटा से आचार्य चरण पधारे हैं। बड़ी कृपा भई, साक्षात भगवत स्वरूप हैं, साक्षात भगवान को ही स्वरूप हैं, आज हमारे मध्य में पधारे। हम सब आचार्य चरण के चरणों में प्रणाम करें। बहुत ही सरल हैं, आपको व्यक्तित्व कहो नहीं जा सके, बहुत ही सरल विचार और बहुत सरल आपको। बड़ी कृपा करी आज आपने, आप पधारे यहाँ। थोड़ी देर कथा के बाद आपको भी आशीर्वचन सुनेंगे, आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये ब्रज भूमि जो साक्षात सनातन भूमि है, साक्षात श्री ठाकुर जी को ही स्वरूप है। जहाँ साक्षात श्री ठाकुर जी को ही नित्य परिकर सदा विराजित रहे ब्रजवासीन के रूप में, और यहाँ के वृक्ष लता पत्र सब कृष्ण ही हैं, तो ऐसी दिव्य ब्रज भूमि को हम लोग आश्रय ले रहे हैं। और भैया, इस ब्रज भूमि के ऊपर बड़े बड़े इसको नष्ट करने के लिए आघात होते आए हैं। समय समय पर ठाकुर जी की ही इच्छा है ब्रज भूमि लुप्त हुई, फिर वाको प्राकट्य आचार्य चरणन के द्वारा, रसिक जनों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा समय समय पर इसका प्राकट्य भी होता रहा है। श्री वज्रनाथ जी के द्वारा प्राकट्य हुआ, श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु के द्वारा, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, षड गोस्वामियों के द्वारा, अनेकानेक भगवदीय साक्षात भगवत स्वरूप श्री ठाकुर जी के पार्षदों के द्वारा इसका प्राकट्यीकरण होता रहा है। लेकिन यही तो सनातन धर्म है, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। सनातन का ही अर्थ है जो न कभी नष्ट हुआ, न है न होगा, जिसकी तीनों काल में सत्ता रहती है, यही सनातन धर्म है। थोड़ा न्यून होता हुआ दिखाई देगा लेकिन सर्वथा उसका नाश नहीं हो सकता है। जैसे ब्रज पर आघात होते रहे यवन काल में, चाहे वो आंग्ल शासन में, कलयुग का स्वरूप है वो कहीं ना कहीं अपना स्वरूप दिखाता है, लेकिन श्री ठाकुर जी के वैष्णवों की, भक्तों की ऐसी कृपा, महापुरुषों की ऐसी कृपा कि सनातन धर्म को समूल नष्ट नहीं होने देते हैं। अब वर्तमान में भी देखो, श्री बाबा महाराज की कृपा से हम लोग इस ब्रज यात्रा का के माध्यम से ब्रजरस का आश्रय, ब्रजरस का आनंद ले रहे हैं। और अपने वल्लभ संप्रदाय में भी अनेकानेक आचार्य चरणों के द्वारा यात्राएं प्रतिवर्ष उठती हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रज को ये महापुरुषों ने आज भी जागृत किए रखा है, और ब्रज का स्वरूप, ब्रज का आनंद हम लोग ले रहे हैं। जैसे ब्रज भूमि के ऊपर अत्याचार हुए हैं, वैसे ही भक्तों के ऊपर भी दैत्यों के, राक्षसों के, आसुरी शक्ति के अत्याचार होते ही रहे हैं। उसके उदाहरण हैं जैसे श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री प्रहलाद जी महाराज को
मारने के कितने प्रयत्न किए, लेकिन जब भी वो नहीं मरे, उनको आग में जलाया गया, पानी में डुबोया गया, विषैले विषैले तीक्ष्ण बाणों से प्रहार किया गया, विष दिलवाया गया, लेकिन वो तब भी नहीं मरे। तो उनको मारने के लिए दिग्गज बुलाए। दिग्गज कहते हैं जो जिन्होंने दिशाओं को पकड़ रखा है, दिशाओं दिशाओं को, बड़े बड़े हाथी, ऐसे दिग्गजों को बुलाया जिनको देखना संभव ही नहीं था। लाखों लाखों योजन के हाथी श्री प्रहलाद जी महाराज को मारने के लिए बुलाए। यह कथा इसलिए सुना रहे हैं कि कैसे देखने में भले ही दैवी शक्ति छोटी लगती है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गुह्य होता है, बहुत वृहद होता है। तो श्री प्रहलाद जी महाराज लाखों लाखों योजन के हाथी उनके सामने खड़े हैं, दिग्गज बड़े बड़े हाथी जो दिशाओं को पकड़े रहते हैं। और हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम इस प्रहलाद को मार दो, जिस भांति जिस प्रकार ये मरे मार दो। तो जैसे ही प्रहलाद जी से बड़े बड़े दांत अपने दिग्गज हाथियों ने छुवाए हैं, उसी समय सब बड़े बड़े दांत भी पाउडर की तरह उड़कर हवा में उड़ गए। अब यह स्वरूप देखकर सबके सब दैत्य गड़बड़ा गए, यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप भी घबरा गया कि मैंने स्वयं ने इतने मारने के प्रयत्न किए तब भी नहीं मरा, बड़े बड़े दिग्गज बुलवाए तो भी इनके दांत चूर्ण चूर्ण हो गए, ये मेरे सामने ये छोटा सा बालक, इसमें ये शक्ति कहाँ से आई? इतनी जहाँ आकर मेरी शक्तियाँ भी एकदम क्षीण हो गई। तो वहाँ बड़े बड़े जब हाथी हैं, उनके दांत भी जब चूर्ण हो गए, हाथियों ने टक्कर मारी श्री प्रहलाद जी में, जो बड़ी बड़ी दिशाओं को पकड़े हुए हैं, तो वहाँ बड़े बड़े दैत्य आए श्री प्रहलाद जी के पास और उन्होंने कहा कि प्रहलाद, तुम इतने छोटे से दिखाई पड़ते हो, लेकिन इतने बड़े बड़े दैत्यों को तुमने कैसे मार दिया? इतनी इतनी बड़ी बड़ी आसुरी शक्तियों पर तुमने कैसे विजय प्राप्त कर ली? तुम्हारे में कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी तुम्हारे पास ऐसी साधना है? तो वहाँ 5 वर्ष के श्री प्रहलाद जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, जो विष्णु पुराण में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। प्रहलाद जी बोले, दंता गजानाम कुल श्रृंग निष्ठुरा, ये जो दैत्य दिग्गजों के दांत थे, ये ऐसे दांत थे कि जिनको वज्र भी नहीं तोड़ सकता था, वज्र की भी सामर्थ्य नहीं। लेकिन जैसे ही इनका मेरे से स्पर्श हुआ, तो भैया मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, मैं तो एकमात्र श्री ठाकुर जी का चिंतन कर रहा था, और उस बीच में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, ये तो सब श्री ठाकुर जी की ही लीला है, ये उनके स्मरण शक्ति का प्रभाव है, मेरे में कोई प्रभाव नहीं है, मेरी साधना में कोई प्रभाव नहीं है, मेरे जंतर मंत्र मेरे पास नहीं है, ये श्री ठाकुर जी के स्मरण का प्रभाव था। और फिर बोले, ये कैसे दिग्गजों के दांत कैसे टूट गए, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, बड़े बड़े दैत्य आए, लेकिन आज तक ऐसा कभी देखा नहीं। तो प्रहलाद जी बोले, इसका कारण तुम समझो, महाविपत्ताप विपातनो व्ययम जनार्दनानुस्मरणोनुभाव, संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं, बहुत भयंकर भयंकर विपत्तियां हैं, उन सबके ताप को नष्ट करने में केवल श्री कृष्ण स्मरण ही पर्याप्त है, श्री ठाकुर जी का स्मरण ही पर्याप्त है, लेकिन सच्चे हृदय से किया जाए। मेरे पास कोई मंत्र जंत्र कोई शक्ति नहीं है, इसलिए उसके प्रभाव से दैत्यों के दिग्गजों के बड़े बड़े दांत टूट गए। देखो आज ब्रज में भी यही आसुरी शक्ति का वर्तमान में कलयुग बढ़ रहा है, दिखाई देता है, दुख है, कहीं लड़ाई है, कहीं झगड़ा है, कहीं व्यभिचार है, कहीं अत्याचार है। जब श्री ठाकुर जी रहे जब तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा क्यों दिखाई पड़ता है? पहले भी ब्रज में अघासुर बकासुर पूतना आदि सब आए, लेकिन श्री ठाकुर जी ने सब आश्रित शक्तियों पर विजय प्राप्त की। क्यों? उसका कारण था क्योंकि ब्रजवासी जन सदैव नित्य निरंतर, जब से श्री ठाकुर जी ने ब्रज में जन्म लियो,
तब से ब्रजवासियों के मुख पर केवल कृष्ण नाम और कृष्ण चर्चा के अलावा कोई वस्तु ही नहीं है। कृष्ण ही उनके जीवन है। जहाँ जाओ वहाँ गोपियाँ, बड़ा सुंदर पूज्य श्री बाबा महाराज का भाव है, कैसा ब्रज का स्वरूप था इसका उन्होंने दर्शन किया है। मधुर बैन कहती सप्रीति, प्यारी मथानी तू ये गीत गा दे, राधा रस कश्याम राधा बिहारी, गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, राधा रस कश्याम मुरारी, राधा रस कश्याम राधा बिहारी, गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, राधा रस कश्याम राधा बिहारी। जल भरने को गोपी चली है, जल भरने को गोपी चली, जल भरने को जा रही है, मार्ग में जा रही है, सखी जा रही है गोपी के साथ, लेकिन वहां पर भी जल भरने को गोपी चली है, जल भरने को गोपी चली है, सागर उठाकर यमुना निकेती, सागर उठाकर कहते हुए जल ने ये गीत गाया, बहते हुए जल ने ये गीत गाया, राधा रस कश्याम राधा बिहारी, राधा रस कश्याम राधा बिहारी, गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, गोपाल मोहन मुरारी, राधा रस कश्याम राधा बिहारी, राधा रस कश्याम राधा बिहारी। कोई सत्संग करने को नहीं मिला, कोई कृष्ण चर्चा करने को नहीं मिला, तो गोपी जल से, यमुना जल से कृष्ण चर्चा कर रही है। अरे जल तू भी कृष्ण गुणगान, तू भी कृष्ण का गुणगान कर। और प्रातःकाल होते ही मंदिर में घंटी बज जाती है, जागे पुजारी हरि मंदिरों में, जागे पुजारी हरि मंदिरों में। ये प्राचीन ब्रज का स्वरूप है, जहाँ सर्वत्र क्यों इन महापुरुषों ने कहा, पत्रे पत्रे वेणुधारी, वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, पत्रे पत्रे चतुर्भुज, साक्षात एक एक कण में कृष्ण का दर्शन किया है, ब्रजवासियों में साक्षात कृष्ण का दर्शन किया है। जागे पुजारी हरि मंदिरों में, जागे पुजारी हरि मंदिरों में, लागे सुबावन प्रभु को प्रभाती, लागे जगावन प्रभु को प्रभाती, लागे सुबावन प्रभु को प्रभाती, दीन बंदो अब नींद खोलो, हे दीन बंदो अब नींद खोलो, बंधो अब नींद
खोलो हे दीन बंधो अब नींद खोलो राधा रस कृष्ण राधा बिहारी राधा रस कृष्ण राधा बिहारी गोविंद गोपाल मोहन मुरारी गोविंद गोपाल मोहन श्याम राधा बिहारी राधा रस श्याम राधा बिहारी राधा रस श्याम राधा बिहारी राधा रस श्याम राधा बिहारी सोहनी लिए गोद गायों को दुहती दोहनी लिए रोज गायों दोहनी लिए दूध गायों को दुहती दोहनी लिए रोज गायों को दुहती आ दूध पी ले कन्हैया ये कहती आ दूध पी ले कन्हैया ये कहती ब्रजवासियों का लक्ष्य एकमात्र कृष्ण सेवा है गैया भी दोह रही है गोपियां तो इसी लक्ष्य से कि सुबह सुबह कन्हैया को भूख लगेगी कन्हैया आएगा सुबह सुबह माखन दूध दही मांगवे लगो तो मैं कहाते दूंगी तो सुबह सुबह धार काट रही है और वहाँ गैया से ही सत्संग कर रही है गोपी वहीं कृष्ण चर्चा कर रही है आ दूध पी ले कन्हैया ये कहती मेरी तू प्यारी गैया ये गारे मेरी तू प्यारी गैया ये गारी राधा रस कृष्ण राधा बिहारी राधा रस कृष्ण राधा बिहारी गोविंद गोपाल मोहन मुरारी गोविंद गोपाल मोहन मुरारी बड़े सुंदर भाव हैं बैठी रसोई करती गाती बैठी रसोई करती गाती आ शाम तुझको मैं व्यंजन बनाती मैं व्यंजन बनाती और भोग लगाती व्यंजन बनाती और भोग लगाती राधा रस कृष्ण राधा बिहारी राधा रस कृष्ण राधा बिहारी गोविंद गोपाल मोहन मुरारी गोविंद गोपाल मोहन मुरारी राधा रस कृष्ण राधा बिहारी 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 बड़ा सुंदर भाव है बड़ा लंबा पद है दधी ले शाम मिलन को बेचन चली दधी दधी लो ये भूली हरी लो ये कहती मटकी लिए शीश गाती राधा रसिक श्याम राधा बिहारी यह है प्राचीन ब्रज का स्वरूप यह है वास्तविक ब्रज का स्वरूप जो सर्वत्र कृष्ण में दृष्टि तो वर्तमान में यह स्थिति ब्रज की जो है उसलिए है क्योंकि ब्रज के वास्तविक स्वरूप ब्रज की परंपराएं और श्री ठाकुर जी को हम लोग भूल चुके हैं उसी ब्रज में यमुना जी के ऊपर पर्वतों के ऊपर इतने संकट हैं क्योंकि वो हमारी भावनाओं में कमी आ गई है हृदय में दर्द हृदय में ठेस पीड़ा कुछ नहीं होता है लेकिन भैया इन महापुरुषों के वैष्णवों के आचार्य चरणों के हृदय में अभी भी वह कष्ट है
इसलिए श्री यमुना जी के लिए आंदोलन चल रहा है कि श्री यमुना महारानी जो साक्षात कृष्ण स्वरूपिणी हैं, जिनका एक दूसरा नाम कृष्णा भी है, जो कि साक्षात कृष्ण वर्ण की ही हैं, और श्री युगल सरकार के स्वेद बिंदु ही है, श्रम बिंदु ही श्री यमुना जी हैं, तो यह वास्तविक ब्रज का स्वरूप है। जिन पर्वतों पर, जिन स्थलों पर जहाँ श्री यमुना जी के किनारे श्री ठाकुर जी ने, युगल सरकार ने नित्य रास नित्य क्रीड़ाएँ अपनी की हैं, क्योंकि कृष्ण को भूल गए तो कृष्ण भूल गए तो वास्तविक स्वरूप ब्रज का भी भूल गए। इसलिए पूज्य बाबा महाराज के आज्ञानुसार, निर्देशन के अनुसार, संकल्प के अनुसार, पिछले जब से बाबा महाराज विराजित हैं मान मंदिर पर, तब से ही संपूर्ण ब्रज में जागृति के लिए प्रभात फेरी का एक यह नया उपक्रम शुरू हुआ कि जिससे फिर से ब्रजवासी अपने स्वरूप को पहचाने, फिर से कृष्ण चिंतन हो, फिर से वही ब्रज का पुनः स्वरूप हो जाए और फिर से साक्षात श्री ठाकुर जी यहाँ ब्रज में क्रीड़ा करें, खेलें। जहाँ नाम है वही नामी है। राम भजन बिनु सुनहु खगेशा, मिटही न जीवन केर कलेशा। ये संसार में जितने भी कष्ट हैं, ये बिना श्री ठाकुर जी के नाम के मिट नहीं सकते हैं। याद रखो, चाहे कोई भी है, बिना भगवत स्मरण के, बिना भगवान के आश्रय के, संसार में जीवन में कष्ट कभी मिट ही नहीं सकते हैं। सुख लेना है, आनंद लेना है, तो श्री ठाकुर जी के नाम का आश्रय, उनका नाम लो, उनकी याद करो। जैसे श्री प्रहलाद जी महाराज इतने संकटों से पार हो गए, क्यों? नाम का आश्रय लिया। 5 वर्ष के बालक हैं, लेकिन मुख से इतने बड़े बड़े अत्याचार दिए जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी यातनाएं दी जा रही हैं, लेकिन कृष्ण स्मरण, कृष्ण गुणगान फिर भी विस्मृत नहीं हो रहा है। उसका यही कारण था, इतनी बड़े बड़े प्रहारों के बाद भी श्री प्रहलाद जी महाराज का कोई बाल बांका भी नहीं कर सका। जो प्रहलाद जी के साथ हुआ, वही श्री मीराबाई के साथ हुआ। बड़ी बड़ी यातनाओं पर विजय प्राप्त कर गई कृष्ण गुणगान के कारण। प्रहलाद जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, बोले किसी डूबते को जहाज का सहारा नहीं हो सकता। सहारा किस चीज़ का है? किसी बालक के लिए माँ शरण नहीं हो सकती? अरे, माँ की गोदी में देखता देखते ही बालक मर जाता, माँ कुछ नहीं कर पाती है। डूबते के लिए जहाज का सहारा नहीं है, बीमार को औषधि का सहारा नहीं है। बीमार को औषधि का ही सहारा होता तो आज कोई मरता ही नहीं। पत्नी के लिए पति का सहारा नहीं है। सब जीव मात्र के लिए, चाहे वो कैसा भी कष्ट है, उसकी एकमात्र औषधि है श्री ठाकुर जी का नाम, उनका संकीर्तन। वही जीव की हर परिस्थिति से, हर संकट से जीव की रक्षा करता है। मीरा जी ने परिवार को छोड़ दिया, राणा जी ने जहर पिलाया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की शरण में थी। और मीराबाई ने अपने पद में लिखा है, राणा जी मुझे पता है आप जहर भेजते हैं, कभी विष की शैया पर सुलाते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन मैं उनको सबको सहर्ष स्वीकार करती हूँ। बड़ा सुंदर श्री मीराबाई ने, मीराबाई के जितने भी पद प्राप्त होते हैं, श्री मीराबाई ने सब पदों में अपने अनुभव की ही कथा कही है, जो उनके साथ घटित तो हुआ है, जो जो घटनाएं, जो जो उपक्रम उनके साथ हुए हैं, वो सब श्री मीराबाई ने अपने पद में लिखे हैं। वीरू कार्यालय पहुंच जाए वीरू। राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गास्या, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गास्या, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना। राणा जी आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं तो श्री हरि के गुण को गाना नहीं छोड़ूंगी। और आपको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, जो कुछ चाहिए आप ले लो, मैं तो राजा रूठ है नगरी रूठ है, राजा रूठ है नगरी रूठ है, राजा रूठ है
राजा रूठे नगरी रूठे, मुझे लोकलाज की कोई परवाह नहीं है। राणा जी रूठ जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। अरे राणा जी तो केवल एक छोटी सी राज्य सत्ता के राजा हैं, और मेरे ठाकुर जी तो पूरी संसार के राजा हैं। वो रूठ जाएंगे तो मेरे लिए कहाँ ठिकाना है। राणा जी रूठ जाएंगे तो मुझे कृष्ण चरण का तो आश्रय है, लेकिन मेरे ठाकुर रूठ गए तो मैं कहाँ जाऊँगी। हरी रूठे कहाँ जाना, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना। राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना। राणा भेजा जहर पियाला, राणा भेजा जहर पियाला। मीरा भाई को सब पता है कि मुझे मारने के लिए चरणामृत का बहाना करके कालकूट विष दिया जा रहा है। ऐसा वैसा साधारण विष नहीं, जिसका स्पर्श करते मात्र कोई बच नहीं सकता, लेकिन उसको भी श्री मीराबाई पी गई। और जिस समय जिस पंडा ने भेजा है, जिस पुजारी ने वो चरणामृत में विष मिला के भेजा है, राणा जी ने जब देखा मीराबाई उस विष से मरी नहीं, तो राणा जी को संदेह हुआ ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर प्रचंड विष दिया हो उससे मीरा मरे ना। तो वहां पंडा जी से कहा, पंडा जी तुमने ये इसमें गड़बड़ किया है, तुम इसको पी के दिखाइए। जैसे ही उन्होंने पिया वो मर गए। ऐसा कालकूट विष श्री मीराबाई के पास भेजा है, और श्री मीराबाई उसको कैसे पी गई। राणा भेजा जहर पियाला, राणा भेजा जहर पियाला। इमरत कर पी जाना राणा जी में तो, 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 गोविंद के गुण गाना राणा जी में तो, राणा जी आपने तो जहर समझ के भेजा होगा, लेकिन उसने तो मेरे को अमर कर दिया। मीरा मरी नहीं, मीरा साक्षात श्री गिरधर गोपाल में लीन हो गई। अमृत का काम किया भक्त के लिए उस जहर ने। यह निष्ठा का प्रभाव, इसका तात्पर्य क्या है। बीमार को औषधि का सहारा नहीं, डूबते को जहाज का सहारा नहीं, पत्नी को पति का सहारा नहीं, मैं तो गोविंद के गुण गाना। उस नाम से, गोविंद के नाम से वह जहर भी अमृत बन गया। साक्षात श्री मीराबाई गिरधर गोपाल में सब शरीर समा गए, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और श्री मीराबाई कह रही हैं, डिबिया में भेजा सर्प भुजंगम, डिबिया में भेजा सर्प भुजंगम, डिबिया में भेजा सर्प भुजंगम।
क्या कहकर कि शालिग्राम जी हैं और कहा कि जैसे ही सर्प का ये पिटारा खोलेंगे तुरंत मीरा को डस के वो समाप्त कर देगा, लेकिन वहाँ साक्षात सर्प, और सर्प तो कृष्ण वर्णीय होता है, तो ठाकुर जी ने उसी रूप में लीला कर दी। शालिग्राम कर जाना राणा जी में तो, भक्तों ने इतनी बड़ी बड़ी इन विपत्तियों के ऊपर केवल कृष्ण नाम और कृष्ण स्मरण के आश्रय पर विकट विपत्तियों के ऊपर विजय प्राप्त की। और भैया ये संतों के जीवन में है, हम लोगों का जीवन तो बड़ा कोई कष्ट ही नहीं है। साधना के नाम पर इन भक्तों ने, इन वैष्णवों ने, इन आचार्यों ने कितना कष्ट झेला है, वैसा कष्ट तो हमारे जीवन में एक अंश मात्र में भी नहीं है। श्री मीराबाई जो स्त्री स्त्री होकर उसने पूरी राज्य सत्ता से अकेले टक्कर ली, और टक्कर ऐसी ली कि विजय प्राप्त की। दिखने में दैवी शक्ति जो होती है वो दिखने में लगता है बहुत छोटी है, इसमें कोई शक्ति नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी आसुरी शक्तियों के ऊपर भी वह विजय प्राप्त कर जाती है केवल कृष्ण चरण के आश्रय से। भक्तों पर बड़े बड़े अत्याचार हुए हैं, वैसे ही ब्रज पर भी, ब्रज को नष्ट करने के लिए अत्याचार हुए हैं, लेकिन ब्रज जो है, जो साक्षात श्री ठाकुर जी का नित्य निकेतन है, नित्य भूमि है, इसका कभी नाश नहीं होता है। माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। माया काल का जहाँ प्रवेश तक नहीं है, वारा पुराण में यह वृत्तांत मिलता है कि जिस समय शिवारा भगवान पृथ्वी को लेकर रसातल से आ रहे थे, तो पृथ्वी को लेकर जब आए हैं, जल के ऊपर देखा है पृथ्वी देवी ने, शिवारा भगवान के दंताग्र पर राई के दाने के बराबर पृथ्वी विराजी हुई हैं, वहाँ पृथ्वी ने देखा कि संपूर्ण संसार प्रलय के जल में डूबा हुआ है,
और अभी अभी मेरा उद्धार करके वारा भगवान मुझे लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ इस जल समूह में कुछ एक छोटा सा पृथ्वी का खंड और जिस पर कुछ वृक्ष दिखाई देते हैं, ये क्या कारण है? मेरा तो उद्धार अभी अभी हुआ है, ये कहाँ से दिखाई पड़ रहा है? तो स्वयं पृथ्वी देवी ने श्री वारा भगवान से पूछा है, ये कौन सा पृथ्वी का खंड है प्रभु? आज आप तो मुझे अभी अभी लेकर आ रहे हैं रसातल से, मेरे अलावा ये दूसरी पृथ्वी कौन है? तब श्री भगवान वारा भगवान ने कहा कि ये मेरी ब्रजभूमि है जिसका कभी तीनों काल में कभी नाश नहीं होता है, ये सदा सर्वदा विराजी रहती हैं। प्रलय हो जाए, महाप्रलय हो जाए, कुछ भी हो जाए, ब्रज का कुछ नहीं होता है। इसलिए कहा माया काल रहित नित्य नूतन, नित्य नवीन है, नित्य नवीन युगल सरकार की लीलाएं हो रही हैं। नित्य नवीन एक विशेष लीला को ब्रज दर्शा रहा है, ये श्री ठाकुर जी का ब्रज मंडल है। और इसीलिए बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने, बड़े बड़े आत्माराम मुनियों ने भी इस ब्रजभूमि का आश्रय लिया है। श्री सुखदेव जी हैं, श्री व्यास जी महाराज हैं, श्री मार्कंडे जी हैं, श्री लौधांग ऋषि हैं, लौधौली में लौधांग ऋषि ने तप किया है। तो इन सब संतों ने, ऋषि मुनियों ने, आत्माराम मुनियों ने भी ब्रज का आश्रय लिया। आज माल गांव में गई यात्रा, जो मार्कंडे वन है, ये वन जो है 1 किलोमीटर में काफ़ी विस्तृत वन है, इसे मार्कंडे वन भी कहा जाता है। यहाँ मार्कंडे जी ने तप किया। मार्कंडे जी ने ब्रज में कई स्थलों पर तप किया है, यमुना पार मारव में भी उन्होंने तप किया है। मार्कंडे जी का वर्णन महाभारत में कई जगह आया है। ये पांडवों के पास भी मार्कंडे जी जाते रहते थे और उनको भगवान की लीला स्थलियों और उन्हें दर्शन उनका कराते थे। और यहाँ मार्कंडे जी का इस मालगांव में यह तपस्थली है, उनका मंदिर भी है। मार्कंडे जी जो हैं ये अमर ऋषि हैं, प्रलय काल में भी उनका नाश नहीं होता है। उन्होंने 6 मन्वंतर तक तप किया। 6 मन्वंतर मतलब 1 अरब 40 करोड़ वर्ष तक तप किया, उनको काल स्पर्श भी नहीं कर सका। तो जब काल भी स्पर्श नहीं कर पाया तो मृत्युंजय सदाशिव साक्षात शंकर भगवान और पार्वती जी उनको दर्शन देने के लिए गए हैं। दर्शन के बाद भगवान शिव ने मार्कंडे जी की स्तुति की है और मार्कंडे जी ने कहा, अरे प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझ जीव की स्तुति करते हैं, अरे मुझे आपकी स्तुति करनी चाहिए। तब वहाँ भगवान शंकर ने कहा है, मार्कंडे तुम कृष्ण भजन करने के कारण तुम मेरे भी वंदनीय बन गए हो, इसलिए मैं तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ। तब शिवजी ने वहाँ कहा है, ऋषि तुम मुझसे कुछ वर मांग लो। लेकिन ये तो ऐसे निष्किंचन संत थे, इनको किसी वस्तु की कोई इच्छा नहीं। जिन्होंने 1 अरब 40 करोड़ वर्ष तक कृष्ण चिंतन में ही जिनका चला गया हो, उनको सांसारिक वासनाओं की क्या इच्छा। तो वहाँ उन्होंने वर नहीं मांगा। उसी समय भगवान नर नारायण भी वहाँ मार्कंडे जी के पास आए हैं। नर नारायण ने भी कहा, मार्कंडे आप भी कुछ वर मांग लीजिए। मार्कंडे जी ने कहा है, मुझे प्रलय दर्शन कराएं प्रभु, क्योंकि उस समय संपूर्ण जगत का नाश हो जाता है, मैं आपके उस प्रलय का दर्शन करना चाहता हूँ। नरनारायण बोले, ठीक है, तुम प्रलय देखना चाहते हो, तुमको अवश्य प्रलय का दर्शन होगा। ऐसा कहकर मार्कंडे जी के पास से नरनारायण चले गए हैं। जब चले गए तो ऋषि वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। इतने में ही देखा चारों ओर समुद्र का पानी बढ़ा, थोड़ी देर में आकाश पाताल पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड जल में व्याप्त हो गया। और मार्कंडे जी ने देखा कि वो भी उस प्रलय के जल में बह गए, उनका आश्रम भी बह गया और प्रलयकालीन जल में डूबने लगे। लेकिन तप की शक्ति से वहाँ तैरने लगे। लाखों वर्षों तक तप करने से, उस बल से जब वो तैरते रहे, तो अंत में भयंकर समुद्र के मध्य में एक विशाल वृक्ष मार्कंडे जी को दिखाई पड़ा और उस वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हुए बालकृष्ण गोविंद का दर्शन हुआ है, जो अपने एक कर कमल से अपने चरणों को पकड़कर उसका अंगूठा चूस रहे हैं। और वहाँ मार्कंडे जी ने
बड़ी सुंदर बाल गोविंद की स्तुति की है। स्तुति सुनकर बालक श्री ठाकुर जी हंसे हैं और उनके मुख के द्वारा फिर से मार्कंडेय जी जो हैं वो बाहर आए तो देखा ना कोई प्रलय है, ना कोई प्रलय का जल है, ना समुद्र है, वही एक वृक्ष, वही कोटि और उसमें तप कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा ऐसे महामहिमाशाली श्री ठाकुर जी को उन्होंने प्रणाम किया और समझ गए ये मैंने उनसे जो वर मांगा था उसी का उन्होंने यह दर्शन कराया है। और उसी के बाद मार्कंडेय जी ब्रज में आए और इसी स्थल मार्कंडेय वन में आकर उन्होंने तप किया है। यहीं आकर मार्कंडेय जी ने श्री ठाकुर जी का भजन किया और उनकी लीलाओं का दर्शन किया है। तो मार्कंडेय वन जहाँ मार्कंडेय जी की तपस्थली रही है और उसके बाद आप लोग सोनट आए हैं, सोनौठ जो है यहाँ का नाम से ही ज्ञात होता है और इसका सुंदर स्वरूप यत्र तत्र कमल नयन कहकर ठाकुर जी को इंगित किया गया है। महापुरुषों की वाणी के अलावा इन स्थलों की महिमा को समझना बड़ा कठिन है, असंभव सा ही है। तो जब तक महापुरुषों की वाणी या शास्त्रों का, पुराणों का आधार ना लिया जाए तो ब्रज के स्वरूप को समझना कठिन है। श्री कुम्भनदास जी की वाणी में यहाँ का वर्णन मिलता है, हरि के नैनन की उपमा न बने, खंजन मीन चपल कही यतु ए, ऐसे नी कौन गने, राजीव कोकनद इंदिवर और जाति सब रही विचार जिए अपने, कुंभन दास प्रभु गिरधर धर ए परम निचोल रचे सुठने। तो यहाँ श्री कुंभन दास जी ने इस स्थल की वर्णन किया है कि जिनका स्वरूप नित्य नवायमान है, नित्य नवीन है, जिनके नेत्र खंजन की तरह हैं, मीन की तरह चंचल हैं, यहाँ तक कि कमल की तरह दीर्घ नेत्र हैं श्री ठाकुर जी के, केवल मीन मृग खंजन आदिनी तजी अपने सुख चैन, निरखी सबनु सखी एक अंश पर सर्वस कियो देन। बड़े ही सुष्ठु नेत्र हैं श्री ठाकुर जी के, हरि के नैनन की उपमा न बने, श्री ठाकुर जी के नैनन की उपमा बन नहीं सकती है। तो जिसका किसी से, जिन नेत्रों की किसी से उपमा भी नहीं दी जा सकती है कि कैसे नेत्र हैं, ये उपमाएं जो हैं ये केवल साधारण समझाने के लिए हैं, लेकिन श्री ठाकुर जी के युगल सरकार के तो इससे भी कहीं सुंदर नेत्र हैं, खंजन मीन चपल के से। तो यहाँ उपमा देकर श्री ठाकुर जी को इंगित किया है कि ऐसे श्री ठाकुर जी के नेत्र हैं, इसलिए स्थान का नाम सोनौठ हुआ है। बड़े ही सुष्ठु नेत्र हैं, सोनौठ बड़े ही सुंदर नेत्र हैं। तो ये सोनौठ ग्राम का आप लोगों ने यहाँ, और यही मनसा देवी स्थल जहाँ मनसा देवी का आप लोगों ने दर्शन किया, यहाँ पर इतिहास भी ऐसा प्राप्त होता है मनसा देवी जो हैं ब्रज में जहाँ जहाँ इनकी प्रतिष्ठा है, ये योग माया ही हैं जो ब्रज में मनसा देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं, साक्षात श्री ठाकुर जी की शक्ति हैं। और यहाँ का जो प्राचीन इतिहास जो कुछ वर्ष पूर्व का प्राप्त होता है राजा महाराजाओं के काल का, वो इस मंदिर में एक शिला लेख पर इंगित है। उसमें वर्णन आता है कि पांडव वंशीय खूटैल अष्टखरों के संस्थापक श्री श्री 1001 दिल्ली सम्राट महाराज अनंगपाल का ये भव्य मंदिर है जिन्होंने बनवाया है। अपने पूर्व श्री अनंगपाल जी की स्मृति की स्थापना और मंदिर का भव्य निर्माण खूटैल वंशीय 24वीं पट्टी पर पीढ़ी पर अपने वंश में श्री जगन प्रसाद आत्मज श्री मुरलीधर निवासी मोगोर राने श्री मनसा देवी भोले शंकर की प्रेरणा से यहाँ इनकी स्थापना की है। उनके बारे में मिलता है कि कैसे यहाँ देवी की स्थापना हुई है।
इस वंश में 71वीं पीढ़ी पर महाराज हिंदू सम्राट अनंगपाल जी का जन्म हुआ है और उन्होंने ही राज्य ग्रहण करने के बाद इंद्रप्रस्थ का नाम बदलकर दिल्ली रखा। दिल्ली के सिंहासन पर 36 वर्ष 2 माह और 5 दिन आसीन रहे और अपने प्रिय दौहित्र श्री पृथ्वीराज जी को राज्यभार सौंपकर भद्रिकाश्रम ये चले गए और पुनः वापस आकर अपना राज्य उनसे मांगा है, परंतु पृथ्वीराज जी की नीयत बिगड़ गई तो नहीं दे पाए। उन्होंने परिवर्तन नहीं किया, राज्य वापस नहीं किया। बाद में महाराज के विचार बदले और ब्रज की ओर उन्होंने प्रस्थान किया है और मथुरा के विश्राम घाट में अपने सैनिकों सहित स्नान किया और इसी रात्रि में श्री मनसा देवी जी, जो इनके मन में सदैव विराजमान रहती थी, उनकी इष्ट थी, उन्होंने यह उनको प्रेरणा दी है कि इस स्थान पर तुम मेरी स्थापना करो। और उन्होंने स्वप्न में कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पुनः दिल्ली का अधिकार प्राप्त करो। उन्होंने दिल्ली पर पुनः आधिपत्य स्थापित करके पृथ्वीराज जी को राज्यभार सौंप और अपना अभयदान देकर पुनः ब्रज की ओर प्रस्थान किया है और मथुरा जनपद के अंतर्गत सोनोट के पास रेतीली भूमि में श्री अनंगपाल जी के रथ वहीं रुक गया। सेना के सहित उन्होंने यही रात्रि पर विश्राम किया और उसी समय श्री मनसा देवी ने यही स्थायीकरण होने का स्वप्न में वरदान दिया कि मेरे मंदिर की यही स्थापना करो जहाँ मेरा रथ रुका है, तुम्हारा रथ रुका है। तो अनंगपाल जी ने देवी के मंदिर का निर्माण करवाया है। श्री मनसा देवी की स्थापना फाल्गुन कृष्ण सोमवार संवत 174 विक्रम में हुई है। महाराज ने अपनी महलगढ़ सोनोठ में बनवाया है और यही मनसा देवी की उन्होंने आजीवन सेवा की है और प्रातः उठकर वो इसी अपने महल का निर्माण करवाया और महल का दरवाजा ऐसे बनवाया कि साक्षात सीधे मनसा देवी का दर्शन हो। नित्य प्रति वो यहीं पर मनसा देवी का दर्शन किया करते थे और मनसा देवी जहाँ पर भी ब्रज में स्थापित हैं वो साक्षात योग माया का ही स्वरूप हैं, जो श्री ठाकुर जी की आदि शक्ति हैं। तो ये मनसा देवी जिस स्थान पर हम लोग आज रुके हैं, ये यहाँ का इतिहास और कल जहाँ यात्रा जाएगी वहाँ आप लोग सुनेंगे ही। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में प्यारा
राधा रानी की जय हो, श्री बाबा महाराज की जय हो, राधा मान बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी ब्रज यात्रा की जय हो, समस्त ब्रज यात्रा।